जब मैंने इस सीरीज का सीजन 1 देखा था मुझे लगा कि इसका तुरंत मैं रिव्यू कर देता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा उत्सुकता, इतनी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि यार मैं इसका सीजन 2 देखे बिना नहीं रह पाया और मैंने इसका सीजन 2 भी एक साथ देख लिया। वरना यार रिव्यू के चक्कर में मैं अलग अलग सीजन के अलग अलग वीडियो बनाता, यहाँ पर मुझे एक वीडियो का नुकसान हो गया। खैर, तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम वेब सीरीज के बारे में। इसके मैंने 2 सीजन देख चुके हैं, सीजन 1 और सीजन 2। हाँ, फिलहाल इसका सीजन 3 चल रहा है, उसके अब तक शायद जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ 4 या 5 एपिसोड आ चुके हैं। अब देखो यार, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं हर एक दिन की, मतलब हर हफ्ते की एक वीडियो देखूं। मुझे तो यार मतलब इंटरेस्ट तभी आता है या फिर उस कहानी में मजा तभी आता है जब एक साथ उसके सारे एपिसोड आ चुके हैं। यार ऐसे कौन वेट करता है हर हफ्ते एक ही वीडियो, एक एपिसोड का वेट करो। जब वो सीजन 3 कंप्लीट हो जाएगा उसकी एक अलग वीडियो बनाकर उसके हम वहां पर बात कर लेंगे। सीजन 1 के अंदर आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और सीजन 2 में भी 10 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा एक ड्रामनी, एक ऐसी सीरीज हम कह सकते हैं। यहाँ आएंगे उन सब चीजों के अंदर कि कितना ज्यादा इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट आता है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या इसके अंदर कमियां हैं। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सीरीज की कहानी की बात कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। अमेरिका में कहीं एक ऐसी जगह दिखाई गई है, कोई एक ऐसा शहर या ऐसा गांव दिखाया गया है जहां पर लोग फंसे हुए का इन द सेंस कि वो उस गांव से निकल नहीं पा रहे हैं। वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन घूम फिर कर उस गांव में वापस आ जाते हैं। मतलब एक रोड को पकड़ते हैं कि इस रोड पे सीधा सीधा चलते हैं, लेकिन वो घूम फिर कर वो रोड उसी गांव में आ जाता है, क्योंकि ये एक गांव जो है वो भूतिया गांव है, यहां पर भूत आ जाते हैं, रात होते ही भूत निकलते हैं। अब उनको भूत कह लो, पिशाच कह लो, लेकिन आप उनको ज़ॉम्बीज मत कहना। अब जैसे ही रात होती है ये भूत निकल कर आते हैं, लोग अपने आप को आने के लिए घरों में चले जाते हैं। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर भूत जो है या फिर पिशाच जो है, जो भी आप इनको समझो, वो घर के अंदर तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक उनको आप जो इनके जो करेक्टर है वो इनविटेशन नहीं देते कि हाँ भाई आ जाओ अंदर, उनके लिए दरवाजा नहीं खोल देते। जब तक वो भूत जो वो एंटर नहीं कर सकते घर के अंदर, और जैसे किसी ने अगर बाई चांस किसी ने दरवाजा खोल दिया, उनको इन्विटेशन दे दिया अंदर आने का, तो उनको वो एक चीर फाड़ करके रख देते हैं, इतना गंदे तरीके से उनको मारते हैं, वो काफी ज्यादा भयानक होता है। अब ये लोग कोशिश तो करते हैं इस घर गांव से निकलने के, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये सीरीज देखकर मुझे कहीं ना कहीं एक आहट, जो आपने मतलब देखा भी होगा, सीरीज आया करती थी, एक एपिसोड आया करते थे, वो काफी ज्यादा ड्रामनी हुआ करती थी, मुझे वो बहुत ज्यादा याद आई इस सीरीज को देखकर, क्योंकि वही फीलिंग सी आ रही थी यार। वो काफी ज्यादा एक ड्रामना सा सीन मेरे सामने था, जैसे भूत आ रहे हैं, उनकी जो स्माइल जो थी वो काफी ज्यादा ड्रामनी थी, तो वैसी वो फीलिंग आती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज इन्होंने जो दिखाई है कि नए लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, ना ही ये लोग किसी से कांटेक्ट कर सकते, फोन नहीं कर सकते, किसी को रेडियो के थ्रू मैसेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जो लोग फंस गए हैं वो कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं, क्या इस गांव की स्टोरी है, कौन है ये भूत, कैसे इनसे पीछा छुड़वाया जाएगा, कैसे इन लोगों को यानी जो भूत है कैसे इनको मारा जाएगा, इन तमाम सवालों के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। हाँ, सीजन 1 सीजन 2 में क्या इनके जवाब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो ये हो गई इस सीरीज की कहानी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है इंटरेस्टिंग। देखो, स्टोरी मुझे इस सीरीज की काफी ज्यादा पसंद आई। एक जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखने को मिलता है कि रात होते ही भूत आ जाते हैं, वो काफी ज्यादा ड्रामना है। मैंने कहा ना कि एक आहट जो एक सीरीज आया करती थी सोनी, शायद एक चैनल है सोनी के ऊपर, मुझे अब तो मैं भूल गया हूं, अब टीवी भी नहीं देखता हूं, अब तो ज्यादातर चीजें सोशल मीडिया पे ही चल रही है, ओटीटी के ऊपर ही चल रही है, तो एक सोनी है शायद उसके ऊपर ये सीरीज आया करती थी या एपिसोड आया करते थे। तो ये जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था आहट और बहुत ज्यादा ड्रामना, तो वही फीलिंग मुझे फिर से आई इस सीरीज को देखकर। इसके सीजन 1 के 10 एपिसोड कब बीच आते हैं वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस तरीके से आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस सीजन के मतलब सीजन 1 के अंदर आ जाएगा। जो कहानी डेवलप हो रही होती है, जो नई नई चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको काफी ज्यादा एंजॉय इसके अंदर मिलने वाला है। मतलब अब इसके बारे में और क्या ही बोलूं। अब जो इसमें भूतियापन इसके अंदर दिखाया गया है वो काफी ज्यादा मजेदार है। आपको डेफिनेटली डर लगेगा, मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मैंने इस सीरीज को रात के टाइम में देखा, रात के करीबन 2 या 1 बज रहे थे उस वक्त मैं इस सीरीज को देख रहा था, और यकीन मानो जब इसका सीजन 1 मैंने देखा तो मुझे बाहर जाना था, बाहर बाथरूम के लिए जाना, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा मेरे अंदर वो चीजें दिमाग में घूम रही थी। जो एक भूत रात के टाइम में बाहर आ रहे हैं, वो दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जैसे उनकी जो ड्रावनी स्माइल जो है वो देखने को मिलती है, वो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर आने के लिए बोलते हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने की बात करते हैं, तो लोग जैसे उनके बातों में आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, मुझे मेरा मन तो है कि मैं उन चीजों को अच्छे से विस्तार से चीजों को बताऊं, लेकिन काफी चीजों में मुझे मतलब मर्यादा
ज्यादा के अंदर चीजें रखनी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करना है, स्पॉइलर नहीं देना, तो इसलिए सोच समझ कर चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़िया है, VFX जो है इस सीरीज के काफी ज्यादा बढ़िया है। सीजन 1 तो मुझे काफी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि मैंने फिर से वही बातें रिपीट हो जाएंगी। और सीजन 2 की बात करें तो देखो कहानी को आगे बढ़ाया गया है, उसके अंदर कैसे इस गांव से निकला जाए उसके बारे में दिखाया गया है। सीजन 2 का लास्ट वाला एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। नए लोग जो है सीजन 2 के अंदर आते हैं, एक बस आती है सीजन 2 के अंदर जिसमें नए लोग होते हैं, अब वो उस गांव के अंदर फंस जाते हैं, अब कैसे वो बाहर निकलेंगे, अब कैसे उनका सामना उन भूत से होगा, एक उस चीज को दिखाया गया है सीजन 2 के अंदर, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और जो सीजन 2 की एंडिंग होती है वो एक तरीके से ऐसे समझो कि सीजन 3 की तैयारी कर दी गई है कि आपको सीजन 3 तो देखना ही देखना होगा, क्योंकि वहां पर कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है उसके लास्ट एपिसोड में, सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में। परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली सबने बढ़िया काम किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो इस सीरीज का काफी ज्यादा बढ़िया है, VFX भी काफी ज्यादा अच्छे हैं इस सीरीज के। तो ये हो गई अच्छी अच्छी बातें इस सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं कि कमियां क्या हैं इस सीरीज के अंदर। नो डाउट सीजन 1 काफी बढ़िया है, लेकिन जो सवाल सीजन 1 के अंदर हमारे दिमाग में उठे हैं कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, कौन ये कर रहा है, एक्चुअल में क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी हिस्ट्री है, लेकिन जो ये सवाल हमारे दिमाग में खड़े होते हैं उसका रत्ती भर भी जो जवाब है वो सीजन 2 के अंदर हमें नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं सीजन 2 का कहूंगा। कहानी को जहां आगे बढ़ाना चाहिए था, यहां पर सीजन 2 में रबड़ की तरीके से उस चीज को खींचा गया है। फिलर एपिसोड जो है वो ऐसा लगता है कि उनको डाला गया है, मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं है ऐसे एपिसोड उनको डाल दिया गया। बहुत सारे एपिसोड सीजन 2 के अंदर ऐसे हैं जो एक तरीके से बोरियत से भरे हुए हैं, जिनको देखने में कोई भी मजा नहीं आता। सीजन 1 में जहां पे हमें डर लग रहा होता है, सीजन 2 में वो डर बिल्कुल खत्म हो गया होता है, क्योंकि रिपीटेड चीजें वहां पर हमें महसूस हो रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेकर्स ने बिना वजह का सीजन 2 यहां पर रख दिया है। हां, सीजन 2 के अंदर लास्ट एपिसोड में कह सकता हूं कि जो काफी बढ़िया है, जो अच्छा लगेगा, जहां पर कहानी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है, वो लास्ट एपिसोड है। बाकी के जो 9 एपिसोड है वो आप समझो उनको झेलना पड़ता है, देखना नहीं उनको झेलना पड़ता है। कहानी वही सेम टू सेम सीजन 2 के अंदर आगे बढ़ाई गई है, वही चीजें हमें देखने को मिल रही है कि वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस गांव से, नए लोग आ गए हैं, वो अब उन भूतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूत कौन है। मतलब कोई भी लॉजिक उस सीजन 2 में नहीं बन रहा है, वो बिना वजह का धक्के से सीजन 2 यहां पर डाल दिया गया, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीजन 2 का इस सीरीज के अंदर। सीजन 1 जहां पर हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, हमें डर महसूस होता है, वो सारा इंटरेस्ट सीजन 2 खत्म कर चुका होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये काफी बड़ी कमी जो है वो सीजन 2 में मुझे लगी। हां, बाकी जो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस वही सेम जो सीजन 1 में रही, काफी बढ़िया थी। VFX वही जो सीजन 1 के अंदर जो थे वही सीजन 2 के अंदर में देखने को मिले हैं। तो ये हो गई इस सीरीज के सीजन 2 की कमियां, सीजन 2 क्या इस सीरीज की कमियां ही हम कह सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सीजन 1 इस सीरीज का काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसको मैं देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लेकिन सीजन 2 उस इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। सीजन 2 को मैं देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10। हां, सीजन 3 मुझे नहीं पता है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके एपिसोड कितने बढ़िया है, जब वो कंप्लीट सीजन आ जाएगा उसको हम देखकर वहां उसका रिव्यू कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा जा रहा हो, क्योंकि सीजन 2 काफी ज्यादा निराश करता है। तो अगर आपको भूत प्रेत मतलब ज्यादा पसंद है, आपको डरना है, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हैं, सीजन 1 देख सकते हैं, सीजन 2 को आप ऐसे स्किप करके भी देख ही सकते हैं, लास्ट वाला एपिसोड काफी बढ़िया आपको लगेगा। तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको रिव्यू कर दिया है, आपकी इच्छा है इसको देखने की तो आप जा सकते हैं। अगर जिन्होंने देख लिया वो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, जिसके अंदर एक भी कमेंट नहीं आता है, तो अपनी राय थोड़ी बहुत रख दिया करो, क्या ही जाता है, कौन से पैसे लगते हैं। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।